दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1122 में मौजूद जॉब्स के बारे में बताएंगे, जिसमें मिडिल से लेकर FFSC, BA, BSc या डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम आपको आखिरी तारीख भी बताएंगे और अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1122 में तकरीबन 30 मुख्तलिफ पोस्टों पर जॉब हैं और ये तकरीबन 1000 से ऊपर जो है टोटल वैकेंसी बन जाती हैं। इसलिए हम आपको चंद बताएंगे, बाकी आप तफसील के साथ बाद में पढ़ लीजिएगा, हम आपको उसका लिंक डाल देंगे वीडियो के अंदर। तो पहले हम आपको बताते हैं, स्टेशन हाउस इंचार्ज ये है, जिसकी एक पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, और क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है BSc या BA, BSc हो या BA हो, डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी या नर्सिंग का 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इमरजेंसी का। एज लिमिट जिन्होंने बताई है 20 से 30 साल की एज लिमिट बताई है। दूसरे नंबर पे मांगा उन्होंने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसकी भी एक पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर FFSC मांगी है। शॉर्ट हैंड स्किल होनी चाहिए तकरीबन 80 वर्ड पर मिनट, और वर्ड टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंस्पेक्टर, इसकी 13 पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर, 3 होगी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के लिए 2-2 हैं और जोन 5 के लिए 1 है, फीमेल कोटा के लिए भी 1 है, ठीक है। डिप्लोमा मांगा इन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है, किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन से, और 3 से 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है। 20 से 30 साल इसकी एज की लिमिट है। चौथे नंबर पे मांगा इन्होंने अकाउंट असिस्टेंट का, 10 पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर, 3 है, जोन 1 जोन के लिए 1-2 है, और जोन 2, जोन 3, जोन 4 और 5 के लिए 1-1 है, और फीमेल कोटा के लिए भी 1 है। इन्होंने ये क्वालिफिकेशन BCom मांगी है किसी भी मंजूरशुदा इंस्टीट्यूट से, और वह 1 साल का तजुर्बा मांगा है, ठीक है। 20 से 30 साल इन्होंने एज लिमिट मांगी है। पांचवें नंबर पे है ऑडियो या वीडियो कैमरामैन, ठीक है। तीसरे 3 पोस्ट हैं मेरिट की बुनियाद पर, 1 जोन 1 के लिए 1 और जोन 2 के लिए 1। BSc, BCS, BA क्वालिफिकेशन मांगी है, और 2 साल तजुर्बा मांगा है नॉन लीनियर एडिटिंग या एडिटिंग एनिमेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है। 20 से 30 साल इन्होंने हद बताई उम्र की। छठे नंबर पर है शिफ्ट इंचार्ज, इसकी 5 पोस्ट हैं मेरिट की बुनियाद पर, 2 हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के लिए 1-1 है। FSC, ICS मांगी है, या डिप्लोमा हो एसोसिएट इंजीनियरिंग का, या पैरामेडिकल डिप्लोमा हो, ठीक है। 1 साल तजुर्बा मांगा है। 20 से 30 साल इन्होंने उम्र की हद बताई है। उसके बाद है वायरलेस टेक्नीशियन, इसकी 10 पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर, 3 है, जोन 1 के लिए 2 हैं, और जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 के लिए 1-1 है, और फीमेल कोटा के लिए भी 1 है। FSC या डिप्लोमा मांगा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का, 3 से 5 साल तजुर्बा मांगा है, ठीक है, और 20 से 30 साल जो है उन्होंने हद बताई उम्र की। उसके बाद है लीड फायर रेस्क्यूअर, 8 पोस्ट है मेरिट की बुनियाद पर, 2 हैं, और जोन 1 के लिए 2 हैं, जोन 2, 3, 4, 5 के लिए 1-1 है। डिप्लोमा मांगा इन्होंने एसोसिएट इंजीनियरिंग का, DAE विद 3 साल तजुर्बे के साथ, ठीक है। 18, इसकी जो हद है 18 से 30 साल है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, 119 पोस्ट हैं टोटल, और मेरिट की बुनियाद पर 42 सिलेक्ट की जाएंगी, जोन 1 के लिए 28, जोन 2 के लिए 28 और जोन 3 के लिए 27 है। क्वालिफिकेशन मांगी ग्रेजुएशन हो, 1 ईयर डिप्लोमा हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और 18 से 30 साल उन्होंने उम्र की हद बताई है। उसके बाद है ड्राइवर की, 30 पोस्ट हैं मेरिट की बुनियाद पर, 7 हैं, जोन 1 के लिए 5 हैं, जोन 2 और जोन 3 के लिए 4 4 हैं, जोन 4 और जोन 5 के लिए 3 3 हैं, फीमेल कोटा के लिए 3 है, और मिनोरिटी के लिए कोटा के लिए 1 है, मिनोरिटी यानी कि अक्लियती कोटा के लिए 1 है। मैट्रिक के 5 मैट्रिक हो और 5 साल ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, और लाइसेंस भी उन्होंने मांगा है। अच्छा जी, 25 से 35 साल उन्होंने उम्र की हद बताई है। उसके बाद है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, उसकी 444 पोस्ट है टोटल, और मेरिट की बुनियाद पर 95 है, जोन 1 के लिए 53 है, और जोन 2 के लिए 53 है, और जोन 3 के लिए 52 है, जोन 4 के लिए 47 है, जोन 5 के लिए 47 है, फीमेल कोटा के लिए 44 है, और मिनोरिटी यानी इकलौती के लिए 22 है। इन्होंने पैरामेडिकल डिप्लोमा या नर्सिंग का, LHB का डिप्लोमा मांगा है इन्होंने, और एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, ठीक है। 18 से 30 साल इन्होंने टोटल उम्र की हद बताई है। इसी तरह ये तकरीबन 30 पोस्ट हैं, ये देखें इस साइड पर भी हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेरिट ना सिर्फ मैट्रिक बल्कि मिडिल पास के लिए भी है, ये देखें, ठीक है। अब अप्लाई करने का तरीकाकार हम आपको बता देते हैं।
उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, आप यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन जो है पढ़ लीजिएगा। फिजिकल टेस्ट भी इन्होंने मांगा है, ठीक है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अप्लाई जो करना है हम वो भी आपको बताते हैं। इसका जो फॉर्म है वो pts.org.pk की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, ये फॉर्म जो है फिर फिल करके आपने जहाँ भेजना है वो भी हम आपको बता देते हैं। भेजना है आपने कॉरियर के ज़रिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।